मध्य प्रदेश के रीवा में एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें रीवा में एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से टीवी वर्चुअली जुड़कर रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। रीवा एयरपोर्ट परिसर में ही भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन संपन्न किया गया। इस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई नेता मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि रीवा में अब तक चोरहटा में हवाई पट्टी थी, जिसमें हेलीकॉप्टर व छोटे विमान ही उतर सकते थे। बीते वर्ष 15 जनवरी 2023 को इसका भूमि पूजन किया गया था। तब तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान व तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसका भूमि पूजन किया था। इसके बाद विस्तार करते हुए नवीन एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया, जिसका रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बनारस से इसका लोकार्पण किया। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए तकरीबन 500 करोड़ स्वीकृत हुए थे। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण द्वारा लगभग 19 माह से रिकॉर्ड समय में रीवा एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया। अब इस एयरपोर्ट से विंध्य ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। आज रीवा में यशस्वी प्रधानमंत्री ने बनारस से जुड़ करके एयरपोर्ट का लोकार्पण करने का जो अनुपम अवसर दिया है, मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गई सौगात की बधाई। उम्मीद करेंगे एविएशन के क्षेत्र में, खासकर हवाई यातायात की दृष्टि से, हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक के बाद एक जो उपलब्धियाँ मिलती जा रही हैं, इसका लाभ हमको मिलेगा। खास करके विंध्य का ये जो एयरपोर्ट है, वर्षों पुरानी मांग थी और बहुत दिनों का सपना था। हमारे अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी कभी से प्रयासरत है और हम सब मिलकर के आज जब लोकार्पण का मौका आया, प्रधानमंत्री के साथ मैं स्वयं मुख्यमंत्री के नाते से उपलब्ध हूँ, माननीय जगदीश देवड़ा जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, सभी जनता, विधायक, सांसद, मंत्रियों के साथ आज जो लोकार्पण हुआ, ये केवल हवाई यातायात नहीं रहेगा, भविष्य की दृष्टि से विकास के सभी पैमानों पर, खासकर औद्योगिक दृष्टि से भी भविष्य में हवाई यातायात की सुविधा का ये लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जो कल्पना की गई है, हमारी इस कनेक्टिविटी का लाभ प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए रहेगा।